दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आज अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जब ज्ञापन दिया तो डेट मांगते रहे, मामा जी महापंचायत की डेट फिक्स कीजिएगा, महापंचायत की डेट फिक्स कीजिएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ नहीं कहा। अतिथि शिक्षकों की ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ, मानदेय डबल होने की संभावना चल रही है, काम चल रहा है। दोस्तों कुछ संकेत मिले हैं जिससे पता लगा है कि वर्ग दो का 14,000 होने वाला है, वर्ग तीन का 10,000 होने वाला है और वर्ग एक का 18,000 होने वाला है। इस तरह का मानदेय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अतिथि शिक्षक मानदेय वृद्धि से खुश नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार जो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं वह पद स्थाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना है उनको पद को लेकर, क्योंकि जब कोई नियमित शिक्षक स्कूल में आता है तो उनको हटना पड़ता है और उनको यही आशा है कि ये पद अगर हमारा भरा माना जाए और पद रिक्त ना माना जाए तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, हम रोजगार से लग जाएंगे, क्योंकि अभी कोई उनका ठिकाना नहीं है, ना जाने का समय है ना आने का समय है दोस्तों, और ना मानदेय का समय है, कब मानदेय मिलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। पुराना मानदेय मार्च अप्रैल का अभी नहीं मिला है और अभी उस मानदेय की मांग चल रही है। 2 महीने नए हो चुके हैं, 4 महीने का मानदेय दोस्तों अभी अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है और कहीं कहीं तो पुराना ही 4 महीने का नहीं मिला है। अपडेट में आपको बता देता हूँ, 2 बड़े अपडेट आपको लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन लिया और जहां भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाते हैं दोस्तों अतिथि शिक्षक ज्ञापन देते हैं, लेकिन अब आचार संहिता लगने वाली है, कुछ ही दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। अतिथि शिक्षकों को चिंता है कि ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यही कहते रहें कि हम आपको भोपाल बुला रहे हैं, हम आपको भोपाल बुला रहे हैं। दोस्तों भोपाल बुलाकर अगर वह मानदेय डबल कर दें तो क्या आप खुश रहेंगे? अगर आपका पद जैसा है वैसा ही बना रहे तो मानदेय बढ़ भी जाएगा तो आपको कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि इस वर्ष सभी जो कर्मचारी हैं दोस्तों, चाहे वो पंचायत के हों या अन्य विभाग के हों दोस्तों, सभी का मानदेय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने डबल किया है। एक बड़ा अपडेट आपको बताना चाहता हूँ, आज कस्बा बमोरी में आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ रायसेन के जिला अध्यक्ष श्री रामलखन लोधी के द्वारा सैकड़ों अतिथि शिक्षकों के साथ सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री रामपाल सिंह जी को मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष दीनदयाल अंत्योदय समिति बनाए जाने पर फूल मालाएँ पहनाकर बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। इसके बाद माननीय कैबिनेट मंत्री जी को अतिथि शिक्षकों के पद स्थायित्व करने एवं महापंचायत जल्दी बुलाने के लिए ज्ञापन दिया गया। माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा कहा गया कि आपका काम चल रहा है, जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी महापंचायत आयोजित कर आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे। जिला अध्यक्ष श्री रामलखन लोधी जी के द्वारा बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हर मंच से अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जल्द महापंचायत आयोजित करने की घोषणा कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द हमारा भविष्य सुरक्षित करेंगे। दोस्तों ये बड़ा अपडेट था और अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या अतिथि शिक्षकों का वाकई DPI में काम चल रहा है। जी बिल्कुल काम चल रहा है दोस्तों, इतना हमको संकेत मिले हैं कि मानदेय डबल होने वाला है। पद को लेकर अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है, लेकिन जब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अतिथि शिक्षकों की जो गाड़ी है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है दोस्तों, और इस वक्त उनसे बड़ी आशाएं हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की। दूसरा अपडेट आप देखिएगा मेरे भाइयों, आयोजित करने की घोषणा कर रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द हमारा भविष्य सुरक्षित करेंगे। अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांग है, कार्य अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षक जिस वर्ग में कार्य कर रहा है उस पद को रिक्त ना मानते हुए पद स्थायित्व उसका हो जाए। दूसरी मांग है, जो अतिथि शिक्षक IT नियम के फॉलो करता है उसे नियमित किया जाए। तीसरा है, वेतन की जगह वेतन मान दिया जाए, भर्ती परीक्षाओं में 50% आरक्षण और बोनस अंक प्रदान करें और अन्य राज्यों की नीतियों के अनुसार समस्त लाभ प्रदान किए जाएं। ज्ञापन देने वालों में
रायसेन के जिलाध्यक्ष श्री रामलखन लोधी, सिलवानी ब्लाक अध्यक्ष श्री सुनील विश्वकर्मा, देवेंद्र पटेल, सचिन रघुवंशी, सुशील मेहरा, राजा राम लोधी, राकेश रघुवंशी आदि समस्त अतिथि शिक्षक रहे। दोस्तों, इन्होंने भी ज्ञापन दिया है और इसके बाद में एक वो वीडियो क्लिप जो आपने देखी होगी वो तो मैंने पहले ही बता दी थी दोस्तों, लेकिन जो हमारे अनुमान हैं उससे तो यही लग रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जल्द हमारा भविष्य सुरक्षित करने वाले हैं दोस्तों। और अनुमान प्रमाण भी सही निकलते हैं लगातार, और सभी अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जहां भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं लाडली बहनाओं से ही आप ज्ञापन दिलाएं, आप खुद ज्ञापन ना दें, क्योंकि जो महिला शक्ति होती है वो वास्तव में दोस्तों भवानी का रूप होती है, और महिलाएं जब आवाज़ उठाएंगी तो अतिथि शिक्षकों का जो अस्थायी पद है वो स्थायी होने की संभावना हो जाएगी। अभी दोस्तों हम बहुत परेशान हैं, सभी अतिथि शिक्षक जिनको मानदेय नहीं मिला है, पुराना मानदेय भी नहीं मिला है, नया भी नहीं मिला है मेरे भाइयों, इसको लेकर बहुत अतिथि शिक्षक चिंतित हैं। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है सभी भाइयों से कि शांति रखें, धैर्य रखें, शांति एक आवश्यकता होती है दोस्तों, और ज़रूर आप सभी अतिथि शिक्षक कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस ज़िंदगी के पड़ाव में दोस्तों और आपने जो मेहनत की है, जिन बच्चों का भविष्य बनाया है उन बच्चों का आशीर्वाद और उन बच्चों की दया आपको लगेगी, जिससे कि आपका भविष्य सुरक्षित होगा मेरे भाइयों। सभी अतिथि शिक्षक जो 14-15 वर्षों से लगे हुए हैं दोस्तों, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बहुत कम मानदेय में काम कर रहे हैं, सिर्फ एक आशा से कि एक ना एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारा नियमितीकरण करेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया। बाकी नए नए अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आप सभी को जय श्री।